ओके तो इस लेक्चर में हम भूगोल का एक और अन्य महत्वपूर्ण तत्व डिस्कस करेंगे, वो है चट्टानों की संरचना। भारत का जो भाग है वो चट्टानों से बना, रॉक से बना हुआ है। तो ये चट्टाने हैं क्या और कहाँ से शुरू होता है, उससे पहले बताना चाहूँगा कि ये पीएससी की स्पेशल क्लास है और लाइव क्लास है जो बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा स्लो चलेंगे। हम पहले से बोर्ड पे नहीं लिख देते कि उसी को रीड कर दिया और लेक्चर हो गया, एक सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाता है। तो बात होगा कि हमारे भारत की जो जमीन है, भूमि है, वो समय दर समय बदलती रही है। एक युग है, आपके यूपीएससी 2001 का अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर भूगोल का, तो उन्होंने बोला था कि हमारे जो गोंडवाना लैंड है उसका विघटन किस काल में हुआ था, किस एरा में हुआ था। कल्प अगर मैं मान लू, युग मान लू, तो पोच हो जाता है इंग्लिश में, और कल्प हम कहते हैं एरा को, किस में हुआ था। तो पहले हमें जानना है कि हमारे मैं ये देख लू यहां तक आ रहा है हमारे ये युगों की संरचना होती है, ये युग कितने युग रहे हैं अभी तक और कौन कौन सा युग कब कब से वर्णित किया गया और उस काल में क्या घटित हुआ, हम उसको जानेंगे। तो हमारे आज का जो शेड्यूल है, पहला है युग को जानना, दूसरा कौन से जीव किस युग में आए, सार्क मछली कब आई, कब हमारा लॉरेसिया गोंडवाना का विघटन हो गया, साथ में चट्टानों के बारे में, जैसे आर्कियन चट्टान, आर्कियन रॉक, धारवाड़ चट्टान, ये किस क्षेत्र में किस राज्य में मिलती है, कुडप्पा की चट्टान, समझ में आ रहा है, कुडप्पा विंध्यन की चट्टाने किस युग में मिली, कब से टर्सरी शुरू हो गई, गोंडवाना की चट्टाने कहाँ मिलती है, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में। तो पहली बात है हमारा युग, सबसे पहले जो शुरू होता है दिमाग से करेगा, और ये मुझे मैं टेस्ट में दूंगा आप लोगों के, हमारा शुरू होता है जो युग होता है, आप यहां लिख लीजिए कल, कल मतलब एरा, यहां लिख लीजिए युग, एपोच, यहां लिख ले पीरियड, समय जो पीरियड चला आ रहा, और यहां जो टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन रही, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इसको आगे कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, कैमरा सेट करने को थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके तो ये हम डिस्कस करेंगे कब क्या रहा कैसे रहा। तो पहला जो हमारा कल्प है वो एजोइक कहलाता है, इंग्लिश में भी एजोइक, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे ए जोइक कहलाता है, जो एक एड कहलाता है, जो हमारा पहला एरा रहा, एजॉय कर लो आप इसे इंग्लिश में, एजॉय ये इंग्लिश में, और देखो ये अजैविक कहलाता है, हिंदी में अजैविक है, इंग्लिश में अजॉय जॉय कह रहा है। फिर आता है प्लायोजॉइक, ठीक है, प्लायोजोइक, एजोइक, प्लायोजोइक, फिर आता है मेसोजोइक, एजोइक, प्लायोजोइक, मेसोजोइक, फिर आता है सेनोजोइक, और फिर आता है नियोजोइक। ये हमारे एरा रहे हैं, एजोइक जो एरा रहे हैं, कल्प रहे हैं, एजोइक, प्लायोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। क्लियर हो रहा है आप लोगों का? ओके अब ये एरा कब कब रहा और शुरू हुआ, पहली बात इसको कोई भी युग नहीं माना जाता, एक प्रकार का कोई भी युग का समय, ये बहुत पहले का समय है, तो इसलिए इसे डैश में छोड़ दीजिए,
जिसके बारे में भी पता नहीं चल पाया। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके। फिर हमारा आता है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सालों, मतलब 600 मिलियन ईयर पूर्व का अगर मैं इसे कंसीडर करना चाहूं तो कंसीडर कर सकता हूं, बहुत पहले का ये क्षेत्र शुरू होता है। समझ में आया? अब जो शुरुआत होती है हमारी पीरियड की, मतलब पीरियड हो गया, टाइम हो गया, वो हमारे शुरू होती है, अगर एजोइक हमारा डैश छोड़ दिए, प्लायोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया, साइनोजोइक हो गया, नियोजोइक हो गया। इससे पहले एक लाइन आपको लिखना जरूरी है, फटाफट एक लाइन आप नोट कर लें सभी। जो स्टार्टिंग होती है यहीं पे मैं लिख देता हूं, आपको लिखने की भी पूरी जरूरत नहीं होगी, इसे आप सक लिख लो हिंदी में, पीरियड में क्या कहते हैं, सक कहते हैं। साइलेंट पे मेरा मोबाइल है या नहीं? तो मैंने पहला छोड़ दिया युग, इसे हम स्टार्ट करते हैं प्रथम, इसे मानते हैं द्वितीय, सेकंड, इसे मारते हैं टर्शियरी, टर्शियरी युग, मतलब तृतीय, टर्शियरी युग, तृतीय, टर्शियरी युग कहते हैं, TER, है ना, टर्शियरी युग कहते हैं। और नियोजोइक को हम चतुर्थ कहते हैं, क्वार्टरनी, चतुर्थ, क्वार्टरनी। समझ में आया नहीं आया? टर्शियरी, प्रथम युग, प्लायोजोइक युग को प्रथम युग कहते हैं, मेसोजोइक को तृतीय कहते हैं, सेनोजोइक को तृतीय कहते हैं, नियोजोइक को चतुर्थ कहते हैं। फिर टर्शियरी, इंग्लिश वाले टर्शियरी लिख लें और क्वार्टर नहीं लिख लें, ठीक है? अब यहां से शुरू होता है सक, पीरियड जो ड्यूरेशन रही है वो अगर हम बात करें तो वो हम इसको लिख सकते हैं। ये पहला था, कहलाता था जो पहला प्री कैब्रियन, प्री कैब्रियन, प्री कैब्रियन युग कहलाता था, या फिर एजोइक को हम एक तो प्री कैब्रियन कहते थे, ठीक है, या फिर अलोगो निकन कहते थे, अलोगो निकन कहते थे, ये ए था, कई होते थे, पहले ये आया, उसी में दूसरा पार्ट भी आ गया, एजोइक का दूसरा पार्ट भी, शुरुआत ये हुई उत्तर में, नीचे एक और शुरू हो गया। समझ में आया? तो जो एजोइक है युग है, अपोच है, प्री कैब्रियन या एलोगो निकन आप कहेंगे, कह सकते हैं। इसी में हमारा, मैं इनको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा बाद में, बी, जो हमारा बी आया, भी हमारा आया आर्कियन युग। कौन सा आया? आर्कियन, आर्कियन युग का पहला था प्री कैब्रियन और दूसरा था आर्कियन। क्लियर है सभी का? फिर आते हैं हमारे प्लायोजोइक को, ठीक है, प्लायोजोइक, मेसोजोइक, साइनोजोइक। प्लायोजोइक में हमारा जो शुरू होता है वो शुरू होता है ए, मैं ए लिखता हूं यहां पे, ये इधर का कवर हो गया बेटा, ये इतना कवर हो गया। प्लायोजोइक को अगर मैं शुरू करता हूं तो प्लायोजोइक की शुरुआत होती है कैब्रियन से, वो प्री था, ये कैब्रियन है, वो प्री था, ये कैब्रियन है। समझ में आया ना? फिर बी आता है हमारा, जो प्री के बाद था, एनीवन, एनीथिंग, एनी आइडिया, कैब्रियन के बाद क्या आया? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी आइडिया, कुछ भी क्षेत्र का आइडिया हो, प्रोफेसर स्टॉप कर दें। इसके बाद जो आता है ऑल्डोविसियन आता है, ऑल्डोविसियन, कैब्रियन, ऑल्डो, ठीक है, कैब्रियन, देन ऑल्डोविसियन, इसके बाद आता है क्या,
जिसमें हमारी पेंजिया ने जो शार्क मछली आ गई थी, सिल्यूरियन ऑर्डोविसियन सिल्यूरियन कैब्रियन ऑर्डोविसियन सिल्यूरियन डिवोसियन सिल्यूरियन डिवोसियन ये आता है कार्बोनिफेरस। कैब्रियन ऑर्डोविसियन सिल्यूरियन डिवोसियन डिवोरियन लिख सकते हैं डिवोरियन कार्नो कार्बोनिफेरस और परमियन पर मी यन ये हमारे छह आते हैं। प्लायोजोइक में कैब्रियन ऑल्डोविसियन ऑल्डोविसियन सिल्यूरियन डिवोरियन डिवोसियन कहते हैं डिवोरियन कहते हैं डिवोरियन लिख लें कार्बोनिफेरस और परमियन। ओके फिर हमारा आता है ये हमारा था प्लायोजोइक प्रथम। फिर आता है हमारा मेसोजोइक द्वितीय मेसोजोइक। इसमें क्या आता है मेसोजोइक में मैं इधर लिख देता हूं वहां बहुत ज्यादा वो हो रहा है। मेसोजोइक की अगर मैं बात करूं बातें क्यों हो रही है अतकर छोड़ आपकी। मेसोजोइक की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारी जो शुरुआत होती है वो ट्रियासिक से होती है ट्रियासिक ट्रियासिक भी हमारा आता है जुरासिक और सी एक और युग है ट्रियासिक जुरासिक और उसके उत्तर काल में आ गया था क्रिटेशियस क्रिटेशियस ठीक है। मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है कि सब एक ही में आ जाए वीडियो में भी आ जाए ट्रियासिक जुरासिक और क्रिटेशियस समझ में आ रहा है। फिर हमारा आया सेनोजोइक का युग सेनोजोइक का युग आया। सेनोजोइक में हमारा ए आया आयोसिन ईओसिन कहते हैं ईओसिन बी हमारा आया ओलिगोसिन ओलिगोसिन ईओसिन ओलिगोसिन मेसोसिन या मेओसिन लिख सकते हो मेओसिन मायोसिन 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 बेटा क्या डिस्कस हो रहा है आप लोगों में मायोसिन और प्लायोसिन प्लायोसिन ठीक है ईओसिन ओलिगोसिन मायोसिन और प्लायोसिन। फिर हमारा आया नियोजोइक चतुर नियो मतलब क्वार्टर में ठीक है। इसमें हमारे दो आते हैं प्लीस्टोसिन प्लीस्टोसिन सॉरी बड़ी की मात्रा आएगी सब में प्लीस्टोसिन आप ये सब बड़ी मात्रा लगाते चले सिन छोटा नहीं है बड़ा है प्लीस्टोसिन में और होलोसिन। तो ये है हमारे युगों का निर्धारण समझ में आ रहा है। देखो पहला एरा था या देखो मैंने भी याद किए नहीं किए ऐसे तो है नहीं तो इजी है याद करना और जो मैं टेस्ट लूंगा रिटर्न में सब्जेक्टिव लेना है 300 शब्दों का आपको ये लिखने होंगे सारे युग तो समझ लो तो ज्यादा बेटर है। पहला हमारा कल्प था एरा एजोइक जब कोई जीव ही नहीं था पेंजिया ठंडा हो रहा था समझ में आ रहा है। एजोइक एजोइक में क्या था कोई युग नहीं माना जाता इसे शक कहते हैं प्री कैब्रियन एलोगोनिकन और आर्कियन। उसके बाद आया प्लायोजोइक दूसरा प्लायोजोइक प्लायोजोइक प्रथम एरा मानते हैं युग मानते ही पोच मानते हैं पहला जिसमें क्या आया कैब्रियन ऑर्डोविसियन सिल्यूरियन डिवोरियन कार्बोनिफेरस और परमियन ठीक है। उसके बाद तीसरा आया मेसोजोइक
मेसोजोइक में पहला क्या था, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, तीन, ठीक है। उसके बाद आया हमारा सेनोजोइक, सेनो के लिए ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। उसके बाद आया नियोजोइक, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब इनका काल क्या निर्धारण क्या है, जो काल इनका निर्धारण हुआ है मैं उसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। जो हमारा पहला है, पहले को हम छोड़, एक दो तीन चार, ये चौथा, ये पांचवा, पहले को यार नहीं है। जो दूसरा है वो हमारा है 600 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो मतलब पहले बीसी। प्लायोजोइक, मेसोजोइक जो है वो है 225 मिलियन बीसी। जो हमारा सेनोजोइक है वो 70 मिलियन बीसी, और जो नियोजोइक है वो अभी चल रहा है वो 1 मिलियन ईयर एगो है, 1 मिलियन ईयर एगो है अलियर। समझ में आ रहा है? हाँ, सोच के रखे गए ना, सब कुछ सोच के रखे गए। क्या सोच के रखे हम बताएंगे, सबको जुड़ा हुआ है। हिमालय का उदय कब हुआ, हिमालय कब बना, किस युग में बना, क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो, हिमालय नहीं बना, सेनोजोइक में हिमालय बनाए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। ये बना है बांगर और खादर, जो मैंने बताया था भूमिया, बांगर और खादर, बांगर बनी है इसमें प्लीस्टोसीन युग में ऊपरी, और खादर बनी है वो होलोसीन में बनी है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए, तो ये मैंने से छोटा लिखा और मैंने रिपीट कर दिया, जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो लिख भी सकते हैं। ओके, अब बात आती है, ये पूरा एरा डिवीजन है 600, 225, 70 और 1 मिलियन ईयर एगो। अब मेरे क्वेश्चन आते हैं, सार्क मछली इन एरा में से किस एरा में आई। सार्क मछली, ज्वालामुखी हमारा दक्कन ट्रैप किस में से फटना शुरू हुआ, दक्कन ट्रैप बना नहीं बना, ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट निर्मित कब बना, आर्कियन चट्टाने किस किस क्षेत्र को कब बनी, इसमें से किस क्षेत्र में आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड जब विखंडित हुआ तो मेडागास्कर बना, मेडागास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना, प्रायद्वीप भारत भी तो बना, नीचे का हिस्सा तो वही बना, तो किस युग में हुआ, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। पेंजिया किस युग में था, देयर सो मेनी थिंग जो आ सकती है और लगती है, तो अब हम उनको डिफाइन करते हैं एक एक करके, एक एक चीज करके। तो ये दूसरे वीडियो लेक्चर में हम डालेंगे इसके आगे का लेक्चर। थैंक यू।